हेलो फ्रेंड्स आउ यू तो चलो स्टार्ट करें सेट नंबर ट्वेंटी नाइन लेट्स स्पीकिंग फ्यू क्वेश्चंस अलोंग विद द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन हैव अ लुक पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कुछ इस तरीके का उसका डायग्राम बनेगा जरा थ्री वेरिएबल्स 35 books on sports 45 books on business and 15 books on current affairs hame hai. what is a b c what does a b c denote these are the books which are these are the number of uh, these are the books which are written only on one particular topic may it to be sport business or only current affairs

इसी का मतलब कि डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू हो जाएगा मेरा इलेवन देन एवरी बुक इज इन द लाइब्रेरी इज अज्यूम टू कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस और करंट अफेयर्स इन देन तो अगर मैं लिखते इक्वेश जैसे इक्वेशन नंबर वन मेरा बना है डी ई एफ जी का फोर्टी देन इक्वेशन नंबर टू मेरा बनेगा स्पोर्ट्स का विच इज ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू थर्टी फाइव इक्वेशन नंबर थ्री बनेगा बिजनेस बुक्स का विच इज बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू एंड इक्वेशन नंबर फोर बनेगा करंट अफेयर्स का इज इज सी प्लस 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 ई एफ जी इक्वल टू फिफ्टीन इससे मुझे क्या पता चल रहा है दैट इफ आई कंबाइन ऑल द थ्री इक्वेशंस टू थ्री फोर तो मुझे पता चलेगा कुछ डिफरेंट वैल्यूज जैसे इक्वेशन नंबर टू प्लस थ्री प्लस फोर अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू टाइम्स रिपीट हुए टी ई एंड एफ विच इज टू इन ब्रैकेट टी प्लस ई प्लस एफ प्लस थ्री टाइम्स आपका जी आ रहा है बिकॉज दैट इज अ कॉमन पार्ट विच कम्स अंडर ऑल द्री सप करेक्ट

व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी टोटल इन द लाइब्रेरी कितनी रहेगी मेरी तो ये इक्वेशन नंबर फाइव बना उसमें लाइब्रेरी इज ए बी सी डी ई एफ एंड ची तो वो अगर आप इक्वेशन नंबर सिक्स में वैल्यूज रखने जाओगे तो ए बी सी की वैल्यू है वैल्यू e, है इलेवन

री विच आर ऑन बोथ बिजनेस एंड बिजनेस एंड करंट अफेयर बट नॉट स्पोर्ट्स मैंने बोला ना इ की वैल्यू पूछेंगे इसके लिए आपको इक्वेश अगर अगर मैंने ए का वैल्यू जो इक्वेशन में दिया हुआ है रखा विच इज ट्वेंटी सिक्स का वैल्यू है थ्री ट्वेंटी सिक्स प्लस टू नाइन आपका डी प्लस एफ का वैल्यू आएगा सिक्स अगर मैंने डी प्लस एफ का वैल्यू सिक्स अगर आप डी प्लस ई प्लस एफ में सिक्स का वैल्यू रखोगे डी प्लस एफ का वैल्यू सिक्स रखोगे तो ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5, right? so, In case of any doubt or concern, please write down in the comment section below. And then, all the best, guys.